और अपने इधर 100 करोड़ के ऑक्सीजन के प्लांट में वो एम्स मेडिकल छोटे छोटे हॉस्पिटल को दिए 60-70 और हमने एम्बुलेंसेस अच्छी दी, हमने 500 वेंटिलेटर्स दिए, वो तो छोटे छोटे ऑक्सीजन के क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेटर बाईपैक 5-6 हज़ार बांटे और सब प्रकार की मदद हमारी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग क्षेत्र में एम्बुलेंसेस दी। हमारे सभी एमएलए ने मुझे याद है मोहन और बाकी सबके एमएलए के क्षेत्र में अन्न क्षेत्र चला, तो सरकार ने उस समय पूरे तरह 2 लाख करोड़ का अनाज जो है वो लोगों को दिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि रेमडेसिविर शॉर्टेज था, वो हमने उपलब्ध कराया, फंगस के इंजेक्शन लोग मर रहे थे वो आए, और सबसे बड़ी बात इसका लोग इसका जो विशेष रूप से जो कोविड के ऊपर जो लस की क्या कहते हैं कोविड की लस जो थी कोविशील्ड, वो पहली बार हमने देश को वैक्सीन उसका हमने तो देश में बनाया, पर पहले बार हमने देश के अनेक दुनिया के लोगों को वैक्सीन दिया और उनकी भी जान बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं तो कहूँगा कि नागपुर शहर महाराष्ट्र देश इन सब की डेवलपमेंट का इतना बड़ा लोचा होता है, कुछ फिल्म पे आपको पता चला, कुछ हमने किताबें आपको दी उसका है, थोड़ा बहुत मैं वेबसाइट पर डालूंगा, पर यह प्रक्रिया चलती रहेगी। दूसरा एक प्रश्न होता ऑटो सेक्टर और उद्योग क्षेत्र जो है ऑटो याच्यामध्ये अपन तिसऱ्या क्रमांकावर पण जगामध्ये ही वाहन जो क्षेत्र आहे त्याला प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी काय प्रयत्न करणार आहे? माझ्याच विभागाशी मेरे विभाग से संबंधित है, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर 7.5 लाख करोड़ का है, 2014 में ये करीब 4.5 लाख करोड़ का था, और मेरा ये टारगेट है कि इसको हम लोग आने वाले 5 साल में 15 लाख करोड़ का बनाएंगे। वर्ल्ड के पूरे एक आधे को छोड़कर सभी ब्रांड हिंदुस्तान में उपस्थित हैं और हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सेक्टर ऐसा है कि जिसने अभी तक 4.5 करोड़ जॉब्स दी है युवाओं को, ये सेक्टर ऐसा है कि जिसने अभी तक भारत सरकार को राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा GST दिया है, ये सेक्टर ऐसा है कि जिसमें हमारे टू व्हीलर बजाज TVS और हीरो 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस के और करीब आज बाकी तो बातों में मैं नहीं जाऊंगा, पर 9 साल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, इसका जो कंपैरिजन होगा देश में होगा, राज्य में होगा, नागपुर में होगा, नागपुर जिले में होगा, वो पूरा निकालों का आपके सामने है। और मैं विशेष रूप से आप सबको ये बताकर समय गवाने के बजाय मैं मेरे वेबसाइट पर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के 1 घंटे के अंदर पूरे डिटेल डालूंगा ताकि आप इसका उपयोग कर सकेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आपको पता है कि हमारी सरकार जब आई तो केवल गरीब लोगों के 3.5 करोड़ अकाउंट हमारे देश में थे, और आज मुझे बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे देश में 48 करोड़ बैंक में खाते खुले हैं, और इसके कारण छोटे छोटे योजना जा रहे हैं, इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता को काफी बड़ा फायदा हुआ है। इसके साथ जो वयश्री योजना आई जिसका एक कार्यक्रम आपने नागपुर में देखा, जिसका वर्णन यह आया था कि हमने हमारे यहाँ के दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से हमने 36 करोड़ का सहायक किया, करीब 49 करोड़ अकाउंट खोले हैं, अब उसमें उनमें कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड भी मिला, उनके साथ साथ उनको लोन भी मिला, और एक प्रकार से 1000 करोड़ का डिपॉजिट करीब लोगों का बैंकों में आया। फिर स्वच्छ भारत अभियान, इसमें 11.72 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, मुझे बहुत खुशी है कि अभी हमने दिल्ली में रिंग रोड में करीब 20 लाख टन कचरा रोड पे डाल दिया, अहमदाबाद डोरेलो हाईवे में 30 लाख टन अहमदाबाद का कचरा डाल दिया, और अब हम पॉलिसी तैयार कर रहे हैं कि कचरे को सेग्रीगेट करके
स्वच्छता बोर्ड में प्रयोग करेंगे, तो पर्यावरण के दृष्टि से इस प्रकार के अनेक इनिशिएटिव हैं मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के निमित्त दिए गए। नागपुर में भी स्वच्छ भारत अभियान में हमारा भी नंबर काफी ऊपर आया और नागपुर ये पहला देश है, पहला प्रदेश है, पहले शहर है कि हमारे यहाँ का टॉयलेट का पानी रिसाइकलिंग करके जब अनिल सोले महापौर थे तब से हम एमएससीडी को पावर जनरेशन के लिए उड़ाने का प्रक्रिया दे रहे हैं। इसके साथ पीएम किसान सम्मान निधि, इसमें 6000 करोड़ पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में करीब 11 करोड़ किसानों को यह पैसा जाता है, जिसमें 80% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल्ड होकर ओबीसी 3 करोड़ लोगों को घर मिले हैं। करीब नागपुर में भी अभी तक नागपुर में ही हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनेक घर बनाए हैं और जो गरीबों को मिले हैं। वैसे पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ये भी जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सीडेंट का इंश्योरेंस है और करीब 30 करोड़ लोगों को इसमें सुरक्षा बीमा स्कीम, करीब 13.53 करोड़ लोगों को हमने इसका बेनिफिट दिया है जीवन ज्योति स्कीम का। फिर मेक इन इंडिया, इसमें कम से कम बेस्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, इनोवेशन, इसके साथ हमारा रैंकिंग 143 रैंक था 2014 में, आज वो 63 पे आया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन सब लोगों को उसमें राहत मिली है। स्मार्ट सिटी मिशन, आपको मालूम हुआ कि हमारे यहाँ पूरे नागपुर में पार्टी क्षेत्र में काफी काम हुआ, कॉन्क्रीट के रोड बने, लोगों को घर मिले, पानी ड्रेनेज की व्यवस्था हुई। ऐसे स्मार्ट सिटी मिशन हमारे देश में अनेक शहरों में हुआ, जिससे निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सॉल्यूशन पिछड़े हुए क्षेत्रों को मिला। ये जल जीवन मिशन जो है हर जगह पर नल और